सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपनी पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप मुसीबत की लहरों को नहीं रोक सकते, पर आप तैरना जरूर सीख सकते हैं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज का पंचांग 25 दिसंबर 2022 दिन रविवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 7:21 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:13 से 5:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:40 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:43 से 3:08 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 25 दिसंबर 2022 दिन रविवार, आज आप खुद के जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपके अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके, इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें। आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आज आपके अधिकतर काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। घर के वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात खुशनुमा रहेगी। किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव आपके लिए संभव होगा। जिन बातों की वजह से अकेलापन महसूस हो रहा है उनका प्रभाव कम हो सकता है। करीबी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातों की वजह से प्रेरणा मिलेगी। करियर से संबंधित टारगेट छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने की आवश्यकता है, तभी तनाव दूर होगा। रिलेशन को लेकर आपके द्वारा लिया निर्णय जब तक पक्का नहीं होता तब तक अन्य लोगों के साथ चर्चा ना करें। पेट की जलन तकलीफ का कारण हो सकती है। सावधानियां, नए संपर्क बनाते समय सावधानी बरतें वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। बच्चों पर ज्यादा अंकुश न लगाएं तथा सहयोगात्मक व्यवहार रखें। ध्यान रहे कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के आपसे संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से राहत मिलेगी। अगर ये रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो ये जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसीलिए आगे न खींचे क्योंकि ये सुंदर है। अगर ये भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डालें, और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें। बात करते हैं करियर की। आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिल रही जो आप चाहते थे, और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं। आप जो चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है लेकिन यह आपको प्रसन्नता मिलेगी। बिजनेस करने वाले लोग रुका हुआ पैसा पाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। व्यवसाय संबंधित किसी भी पेपर्स वगैरह में हस्ताक्षर करने से पहले जांच पड़ताल करना जरूरी है। अनुभवी और बड़े लोगों की मदद से कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर
आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती है। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आज का उपाय, आज आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।